गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एटीवी मॉर्निंग शो। आज जिन मेहमानों से आपकी मुलाकात हो रही है ना, आपको मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। ये खूबसूरत गाना जो कि अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब की आवाज़ में और अंदाज में हम सब ने सुना हुआ है, बड़ा ही बाकमाल और लाजवाल किस्म का गीत है। उसको लिखने वाले आज मेरे साथ मौजूद हैं और मैं आपका उनसे तारुफ कराऊंगी। जनाब मजहर नियाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शायर हैं, गीत निगार हैं, 17 से ज़्यादा किताबें हैं इनकी शायरी की जो कि इस वक्त आ चुकी है मंजर आम पर। किस सिंगर ने इनको नहीं गाया हुआ? अताउल्लाह ईसा खिलवी से लेकर शिफाउल्लाह रोकड़ी, नसीबोलाल, शबनम मजीद, जो तमाम लोग गज़ल गीत फोक सॉन्ग्स गाते हैं वो सब इनके गाए हुए गीत गाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग और गुड मॉर्निंग। थैंक यू, आपका भी शुक्रिया। और इकबाल सरोबा साहब साथ तशरीफ़ रखते हैं, आप भी शायर हैं, गीत निगार हैं, दो किताबें आ चुकी हैं, मोहब्बत ख्वाब बुनती है और निकला चांद हवेली में, तन्हा चांद हवेली में। जी जी, कैसे हैं आप? ठीक है, दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। सो दोस्ती है आप दोनों की? जी बेशक। अच्छा नियाजी साहब, ये इतना खूबसूरत आपके नगमे हैं, इतने खूबसूरत आपके गीत हैं, कब से आपने लिखना शुरू किया? मैंने वैसे तो मैट्रिक से लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन उस वक्त इजहार पर पाबंदी थी, घर में माहौल ऐसा था कि वो नहीं चाहते थे, बल्कि तवज्जो ज़्यादातर इसकी बच्चे की पढ़ाई की तरफ हो। फिर थोड़ी सी आज़ादी मिली जब फर्स्ट ईयर में गया हूँ कॉलेज में, तो वहाँ कॉलेज में उर्दू पीरियड में मुझे इजाज़त होती थी, मैं कोई ना कोई शेर सुना देता था। अच्छा, अपना लिखा हुआ? अपना लिखा हुआ। अच्छा, तो प्रोफेसर साहबान जो है वो अप्रिशिएट करते थे, एक तरफ से अप्रिसिएशन मिल रही थी, एक तरफ से सख्ती और रोक टोक थी। बिल्कुल बिल्कुल, तो बड़ा मुश्किल गुजरा वो दौर। हाँ, लेकिन बाद में फिर जब ये सर्विस में आ गया पढ़ाई के बाद, उसके बाद फिर काफ़ी आज़ादी मिल गई, हालात ठीक हो गए। अच्छा, तो ये कहाँ से ये उस्ताद तबा जिसे कहते हैं, ये आदत, ये शौक़ कहाँ से पड़ा शेर कहना जो है, ये रवानी और ये मतलब जज्बात की और ख्यालात की फरावानी कहाँ से आई? शायर वो बाय बर्थ होता है और अल्लाह की तरफ से उसको ये सलाहियतें वदियत होती हैं, और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता जो ही उनको मौका मिलता जाता है इजहार करता रहता है। इसी तरह पाबंदियों के होते हुए भी वो कुछ ना कुछ कहता रहता है। फिर एक दिन जब उसको आज़ादी मिलती है तो वो मुकम्मल तौर पर शेर कहने लगता है। बजाते खुद जो है, मैंने ये देखा है, बचपन से ही मुझे शौक़ था शेर सुनने का और लिखने का। ठीक है, अच्छा कुछ आपके अशआर हम साथ साथ सुनना चाहेंगे। जी, मैं एक गज़ल गुफ्तगू में, मैं एक गज़ल उर्दू की सुनाता हूँ। प्लीज़। हाँ। तेरे ख्याल में कुछ है से गुम रहा बरसों, मैं अपने आप से भी मिल नहीं सका बरसों। तेरे ख्याल में कुछ है से गुम रहा बरसों, कहा था तुमने कि तुम लौट आओगे एक दिन, कहा था तुमने कि तुम लौट आओगे एक दिन,
सो मैं जहाँ था वहीं पर खड़ा रहा बरसों, सो मैं जहाँ था वहीं पर खड़ा रहा बरसों। शेर देखिएगा, कहीं वो जायका तहलील ही न हो जाए, कहीं वो जायका तहलील ही न हो जाए, मैं उससे मिल के किसी से नहीं मिला बरसों, क्या कहने, मैं उससे मिल के किसी से नहीं मिला बरसों। तुम्हारे हाथ की दस्तक की आस में मजहर, तुम्हारे हाथ की दस्तक की आस में मजहर, मैं अपने घर से कहीं भी नहीं गया बरसों, मैं अपने आप से भी मिल नहीं सका बरसों, तेरे ख्याल में कुछ ऐसे गुम रहा बरसों। न्याजी साहब, मुझे समझ नहीं आ रही आपके तरन्नुम की तारीफ करूं या आपके अंदाजे तरन्नुम की तारीफ करूं, मतलब इतनी खूबसूरत गनाइत आपकी गीत में भी है और नगमगी आपकी आवाज में भी है, क्या कमाल गाते हैं आप, बहुत शुक्रिया। तो आपने गाना क्यों नहीं गाया? असल में शायरी की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान था और मैंने बताया कि घर में ऐसा माहौल नहीं था कि वो शायरी की बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली, तो गाने बजाने की इजाज़त कहाँ मिलती। अलबत्ता ये हुआ कि इन लोगों के साथ बैठने से ये हुआ, शुरू में गुनगुनाता रहता था। अच्छा। अकेला जब होता था गुनगुनाता रहता था, इसी तरह आवाज़ बरकरार रही। फिर मैंने इसको धुनें बनाने के लिए यानी कंपोजिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया या अपनी शायरी को प्रमोट करने के लिए। जैसे अभी हमने अताउल्लाह साहब की आवाज़ में खूबसूरत जो गज़ल उन्होंने गाई भी है सुनाई है सबको, तो ये आपने इसी धुन में? नहीं, ये धुन जो है ये तो साबिर अली साहब की बनी हुई है। तो और बहुत सारे गाने हैं जो लाला ने गाए हैं, ढोले नु गल समझावा, व्या मियां वाली रवां दिलदार, तो वो आपके आप ही की धुन में उन्होंने, वो मेरी अपनी धुनें बनी। तो मैं चाहूंगी वो भी थोड़ा सा हमें सुना दें कि वो क्या है, ताकि ढोले नु गल समझावा, वो साडी तांग लहा छोड़े, ढोले नु गल समझावा, वो साडी तांग लहा छोड़े, असा उन भूल गए असाउन भूल गए सानू ओ भी भुला छोड़े, ढोले नु गल समझावा, साड़ी तांग लहा छोड़े, असा भी उस दे घर ना वैसू ओ भी साडे घर ना आवे, असा भी पासा करके लंघसू ओ भी कंड करके लंघ जावे, ओ भी कंड करके लंघ जावे, असा भी हुण नहीं ओ रोवना हंजू ओ भी सुका छोड़े, असा भी हुण नहीं ओ रोवना हंजू ओ भी सुका छोड़े, असा उनू भूल गए असा उनू भूल गए सानू ओ भी भुला छोड़े, ढोले नु गल समझावा, हो साड़ी तांग लहा छोड़े। क्या बात है, वाह वाह वाह। सो ये आपका लिखी हुई ये जो सॉन्ग है ये इसी तर्ज में जिसमें आपने इसी में लाला ने फिर? जी हाँ, लाला ने इसी तर्ज में गाया फिर। अच्छा वाह। अच्छा आप सुनाइएगा सर, इकबाल सरोगा साहब, कि आपका ये जो दो किताबें मंजरे आम पे आना और ये सारा कलाम, आपका आगाज कैसे हुआ था शायरी का और इस सफर का? ये मैंने 80 की दहाई में लिखना शुरू किया। इतना लेट? जी जी, 80 की दहाई में, मतलब क्योंकि वे बता रहे हैं बचपन से ही 6-7 साल की उम्र से। लेकिन मेरी तकरीबन उस वक्त 20-25 साल उम्र थी। ठीक जी जी।
तो उस वक्त मैंने 80 की दहाई में लिखना शुरू किया। सही। और पहली किताब जो है मेरा अवलीन शेरी मजमुआ जो है वो मोहब्बत ख्वाब बुनती है 2008 में जो है मंजरे आम पे आया। खासा लेट आया जी ना? जी ये बड़ा लंबा गैप है। अब दूसरी किताब जो है पिछले साल ही 2021 में तनहा चांद हवेली में। मैं चाहूंगी आप भी अपने कुछ अशार। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आंख के दरीचे में रत जगों की बारिश थी, आंख के दरीचे में रत जगों की बारिश थी, तू नहीं थपलकों पर आंसुओं की बारिश थी, चांद की तमन्ना में घर से मैं निकल आया, चांद की तमन्ना में घर से मैं निकल आया, जबकि मेरे आंगन में जुगनुओं की बारिश थी, जबकि मेरे आंगन में जुगनुओं की बारिश थी, कैस और मैं दोनों फिर रहे थे आवारा, कैस और मैं दोनों फिर रहे थे आवारा, जिंदगी के सहरा में वैशतों की बारिश थी, जिंदगी के सहरा में वैशतों की बारिश थी, एक तरफ अकेला मैं लड़ रहा था फाकों से, एक तरफ अकेला मैं लड़ रहा था फाकों से, दूसरी तरफ दिल में ख्वाहिशों की बारिश थी, दूसरी तरफ दिल में ख्वाहिशों की बारिश थी, मुझको खूब रोना था इसलिए मैं लौट आया, मुझको खूब रोना था इसलिए मैं लौट आया, आज उसकी महफ़िल में कह कहों की बारिश थी, आज उसकी महफ़िल में कह कहों की बारिश थी, मर गए तो लोगों ने हम पे फूल बरसाए, मर गए तो लोगों ने हम पे फूल बरसाए, जब तलक रहे जिंदा पत्थरों की बारिश थी। दोबारा मुकर्रर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मर गए तो लोगों ने हम पे फूल बरसाए, जब तलक रहे जिंदा पत्थरों की बारिश थी, जब तलक रहे जिंदा पत्थरों की बारिश थी, कौन कौन आया था क्या खबर सरोबा जी, कौन कौन आया था क्या खबर सरोबा जी, रात भर मेरे दिल पर दस्तकों की बारिश थी, रात भर मेरे दिल पर दस्तकों की बारिश थी, आँख के दरीचे में रत जगों की बारिश थी, तू नहीं थपलकों पर आंसुओं की बारिश थी। क्या बात, आंसुओं की बारिश थी। वाह वाह, बहुत खूबसूरत, लुत्फ आ गया, कमाल। सो हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपनी इस महफिल को, साथ रहिए। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए, हैं गुमशुदा जो खुशियां